नेक्स्ट चलते हैं, इलेवंथ क्वेश्चन देखेंगे. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन, अदर लेबल्ड एज रीजन. असर्शन में क्या है, चेंजिंग क्लाइंट्स परसेप्शन रिक्वायर्स परसुएसिव स्किल्स एंड डायरेक्शन फ्रॉम द काउंसलर एंड सच इनपुट इज नोन एज लीड. ठीक है, बिल्कुल सही है. जब आप क्लाइंट की परसेप्शन को चेंज करते हैं अपने परसुएसिव स्किल्स से, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी. सेकेंड, काउंसलर शुड मेक मिनिमम वर्बल रिस्पॉन्स and maintain silence so that clients feel some pressure to continue and will choose to continue with minimum input from the counselor, thus counselor taking a good lead. नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपको verbal responses आपके minimum रखने हैं so that कि आप client के पर pressure create कर सकें. So A is true and R is false. 3 इसका answer हो जाएगा. Next, which of the following is not true? At the time of birth, the brain is fully lateralized, not fully lateralized, but rather it is plastic. सही है ये statement. दो द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज ब्रॉडली एसोसिएटेड विद लैंग्वेज डेवलपमेंट. हाँ, लेफ्ट जो होता है वो लैंग्वेज के लिए होता है, राइट क्रिएटिविटी के लिए होता है. येट इफ इट इज इंजर्ड ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू ईयर्स, अदर रीजन्स टेक ओवर लैंग्वेज फंक्शन टू अटेन द नॉर्मल लैंग्वेज कॉम्पिटेंस. हाँ, ये होता है, इसे कॉम्पनसेशन थियरी के अंदर आता है, जिसमें अगर एक ब्रेन का पार्ट काम नहीं कर रहा है तो दूसरा उसके फंक्शन को कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं, कुछ हद तक ओवरटेक कर लेता है. फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है. डैमेज टू द लेफ्ट फ्रंटल लोब एरियाज यूजुअली यील्ड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम. ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, बिकॉज लेफ्ट फ्रंटल लोब जो होता है ये आपका मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाता है अगर लेफ्ट फ्रंटल लोब को डैमेज हुआ है. इससे इंडिविजुअल के अंदर इरिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, बट इसका कॉम्प्रिहेंशन से कोई लेना देना नहीं है, लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज उसके लिए दो एरियाज हैं, ब्रोकास एरिया और वर्निक एरिया, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो स्टेटमेंट 4 पे आते हैं. ब्रोकास एरिया सपोर्ट ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज. मैंने अभी बताई थी कि ब्रोकर वन के एरिया जो होते हैं इसके लिए, लैंग्वेज के लिए, आपके लिए लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये भी सही है. तो आंसर 3 हो जाएगा, जो स्टेटमेंट हमारी गलत है. नेक्स्ट चलते हैं. मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर होता है. ये स्टेटमेंट ठीक है. ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, ये भी इसका स्टेटमेंट सही है. Always accompanied by amnesia and cognitive disorder. नहीं, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि amnesia और cognitive disorder के साथ ही multiple sclerosis होता है, तो ये statement गलत हो जाएगी. और इसमें jerky movements होते हैं, ये statement भी हमारी सही है. तो A, B, D हमारा answer 3 हो जाएगा. Next चलते हैं. Given below are two statements, one labeled as assertion or reason. Assertion क्या है? Client must be allowed complete freedom to discuss in their natural manner to communicate respect and acceptance. ये सही है. Completely suspending the judgment and expressing positive regard as Rogers' core therapeutic condition. हाँ, Rogers की जो theory थी उसमें यही कहा था कि आप सामने वाले को अपने आप को express करने दो, judgment जो है उसको defer कर दो थोड़ी देर के लिए, judgments मत दो अपने, उसे अपना unconditional positive regard. तो A और R दोनों ही सही है, A और R दोनों ही सही है, and R is the correct explanation of A. तो statement 1 हमारी correct हो जाएगी. Assertion and reason. टॉलमैन्स पर्पसिव बिहेवियरिज्म वॉज कंसिडर टू बी अ मेजर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. यस, टॉलमैन के जो मेज एक्सपेरिमेंट था उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी. मेज और रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें ये क्रक्स निकल के आया था कि जब रिवॉर्ड दिया जाता है, लर्निंग जो ऑलरेडी अगर हो चुकी है वो मैनिफेस्ट करी जाती है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड देखते हैं. प्री टॉलमैन बिहेवियरिज्म एक्सेसिवली एम्फोसाइज ऑन SR रिलेशन. हाँ, पहले हम SR पे ही रिलाई करते थे. ये कब हुआ था? ये था स्किनर के टाइम पर, ये चीज़ें थी स्किनर के टाइम पर, SR रिलेशन पे ही रिलाई किया जाता था, लेकिन बाद में ये एक SOR बन गया था. सो बोथ ए एंड आर, बोथ असर्शन रीजन दोनों सही हैं, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है. आगे चलते हैं. इसी में ये टॉलमैन्स के पर्पस से बिहेवियर में बता रखा है, जिसे साइन लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं. लर्निंग को कॉग्निटिव प्रोसेस कह रखा है, और लर्निंग इज. नेक्स्ट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है. यहाँ पे स्किन रिसेप्टर्स दे रखे हैं, स्किन रिसेप्टर्स हैं और ये उसके फंक्शंस बता रखे हैं. ये तो आपको क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा. जैसे माइसनस कॉर्पसल्स, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इसका जो फंक्शन है, इस स्किन रिसेप्टर का जो फंक्शन है, वो आपको टच फील कराना है. जब भी आपको टच फील होता है तो मतलब ये स्किन रिसेप्टर जो है वो वर्क कर रहा है. देन आता है पेसिनियन कॉर्पसल्स. पेसिनियन कॉर्पसल्स का जो फंक्शन है वो है प्रेशर फंक्शन. तो प्रेशर जो आप अपनी बॉडी पे फील करते हैं, अपनी स्किन पे फील करते हैं, वो पेसिनियन कॉर्पसल्स की वजह से करते हैं. देन क्रॉजर्स एंड बल्ब्स, इनका क्या यूज़ होता है? इनका यूज़ जो आप कोल्ड फील करते हैं. देन फाइनली फ्री नर्व एंडिंग, जो आप पेन फील करते हैं वो फ्री नर्व एंडिंग की वजह से करते हैं. तो ये आपको बेसिकली मेमोराइज करना पड़ेगा, ये चारों चीज़ें. नेक्स्ट आता है, रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव इवेंट्स इन मास मीडिया में लीड टू इंक्रीज इन द अकरेंस ऑफ सच नेगेटिव इवेंट्स बिकॉज ऑफ द कंटेजियन इफेक्ट.
अब कंटेजन इफेक्ट क्या होता है, जैसे कम्युनल राइट्स होते हैं, यूजुअली ये कहा जाता है कम्युनल राइट्स को मीडिया को ज़्यादा बार बार नहीं दिखाना चाहिए. रीज़न बीइंग, क्योंकि अगर एक कम्युनिटी, लेट्स से कम्युनिटी वन ने कम्युनिटी टू के साथ कुछ किया है, तो बार बार मीडिया में दिखाने से कम्युनिटी टू के अंदर भी वो फीलिंग आती है कि वो कम्युनिटी वन के अगेंस्ट में उसी चीज़ को करें, इंस्टेंट की एक लॉफुल वे आउट निकालने के. इसी पूरे प्रोसेस को कंटेजन इफेक्ट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ टेस्ट स्कोर्स, टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू ट्रू वेरिएंस प्लस एरर वेरिएंस. ये ठीक है, कैसे? ऑब्जर्व्ड असेसमेंट स्कोर, इसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू ट्रू एग्जाम स्कोर, जिसको मेजर नहीं कर सकते, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरर का जो स्कोर होता है, तो जो असेसमेंट स्कोर होता है वो आपका ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर को मिलकर बना होता है. नेक्स्ट, इसी के ना सेकंड स्टेटमेंट रीजन देखते हैं. क्लासिकल थ्योरी ऑफ टेस्ट स्कोर्स अज्यूम सिग्निफिकेंट बट लो पॉजिटिव कॉरिलेशन बिटवीन ट्रू स्कोर्स एंड एरर स्कोर्स. ऐसा नहीं है कि लो पॉजिटिव कॉरिलेशन होता है, सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रीजन जो है वो गलत हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. पॉजिटिव इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो जब भी आपका फ्रंटल एरिया, लेफ्ट हेमिस्फीयर का फ्रंटल एरिया, वो रिस्पॉन्सिबल होता है पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. तो अगर कोई इंडिविजुअल पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो अपने लेफ्ट फ्रंटल एरियाज, लेफ्ट हेमिस्फीयर के फ्रंटल एरियाज को यूज़ नहीं कर रहा है, और या फिर कहें कि वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं उसके एरियाज. लास्ट क्वेश्चन आता है, द मेजर फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड इज टू मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड. पैराथायरॉयड का जो फंक्शन होता है वो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करना होता है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ बेंडुरास ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज करेक्ट. तो बेंडुरा ने चार स्टेप्स दिए, जिसे याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा. ये देख लीजिए, इसे आप आम करके याद रख सकते हैं. आम, सबसे पहले किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अटेंशन देनी चाहिए. आप अटेंशन देने के बाद उसे रिटेन करेंगे, रिटेन करने के बाद उसे रिप्रोड्यूस करेंगे, और फाइनली मोटिवेशन होना चाहिए उस चीज़ को बार बार करने के लिए. फॉर एग्जांपल, जैसे आप गेम ऑफ चेस को सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस गेम को सीखने के लिए अटेंशन देना पड़ेगा कि डिफरेंट जो पीसीज होते हैं चेस के अंदर, कौन सा पीस कैसे चल सकता है. फिर आपको उस पूरे प्रोसेस को अटेंशन के बाद रिटेन करके रखना पड़ेगा. अटेंशन हो गया, अब पूरे जो भी पीसीज होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं, उन सबको आपको रिटेन करके रखना पड़ेगा. फाइनली आप चेस खेलना शुरू करेंगे, मतलब आप रिप्रोड्यूस करेंगे जो चीज़ आपने सीखी है, और फाइनली बार बार चेस खेलने के लिए आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा. तो ये लर्निंग का बेंडुरा का सीक्वेंस है, दैट इज आर्म, ARRM, अटेंशन प्रोसेस, रिटेंशन प्रोसेस, प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, देन मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द थियरी ऑफ एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्लेन सेवरल अदरवाइज डिसजॉइंटेड ऑब्जर्वेशन. ये नाम से ही पता चला, बेसिकली क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या होगा. थियरीज, एक्सप्लेन द थियरीज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्लेन सेवरल अदरवाइज डिसजॉइंटेड ऑब्जर्वेशन. तो सिंथेसिस फंक्शन किसी भी थ्योरी के अंदर अगर है, सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिसजॉइंटेड जो चीज़ें होती हैं, डिफरेंट डिसजॉइंटेड जो चीज़ें होती हैं उसको सिंथेसाइज करना, मतलब एक तरीके से उसे इंटीग्रेट करना. तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट चलते हैं, टॉरेंस यूज द टर्म क्रिएटिवली हैंडीकैप फॉर होम. ऐसे लोग जो क्रिएटिव तो हैं लेकिन फिर भी हैंडीकैप हैं, कौन हो सकता है? जो कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हाई इन क्रिएटिविटी हैं बट लो इन अकेडमिक अचीवमेंट है, बिल्कुल हो सकता है. स्टूडेंट्स हाई इन इंटेलिजेंस बट लो इन क्रिएटिविटी, ये तो हो ही नहीं सकता है. स्टूडेंट्स एवरेज इन बोथ, नहीं हो सकता है. स्टूडेंट्स विद लो लेवल्स ऑफ बोथ, ये भी नहीं हो सकता है. ऐसे लोग जो हाईली क्रिएटिव हैं लेकिन फिर भी हैंडीकैप है, क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस नहीं है, वो स्कूल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे लोग होते हैं जो कि काफ़ी क्रिएटिव होते हैं अपनी लाइफ में, वो एज पर सोशल नॉर्म्स, एज पर सोसाइटी की जो नॉर्म्स होती हैं, दैट इज़ आपको स्कूल के अंदर परफॉर्म करना है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं. इवन तो आप हाईली क्रिएटिव है बट अचीवमेंट के मामले में ज़्यादा अचीव नहीं कर पा रहे हैं. तो नेक्स्ट चलते हैं, वाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद इन अ प्री डिसाइडेड रेंज. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ रिसर्च. प्री डिसाइडेड रेंज के अंदर अगर हम किसी भी वेरिएबल को, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, काजी एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें कोई प्री डिसाइडेड रेंज से वेरिएबल नहीं होता है. रैंडम इफेक्ट मॉडल भी नहीं होता है, बिकॉज अगेन इसमें रैंडमनेस होती है तो प्री डिसाइडेड तो हो ही नहीं सकता है. फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, ऑफकोर्स नाम से पता चल रहा है, एक प्री डिसाइडेड रेंज के अंदर में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो. सो आंसर इज 3. मिक्स के अंदर एक्लेक्टिक अप्रोच होती है, मतलब सभी मेथड्स को यूज़ करके यूज़ किया जाता है.